हेलो गाइस, मैं उवेन, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। आई होप भाई आप सब बढ़िया होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो VW की तरफ से आने वाली GT वर्टस GT। भाई ये है आपका टॉप ऑफ द लाइन है। भाई इसमें दो वेरिएंट है, कंपनी ने सिर्फ सिंपल से दो वेरिएंट निकाल रखे हैं। एक आपका हो गया GT जो कि आपका टॉप ऑफ द लाइन है, और एक आता है भाई आपका सिंपल वर्टस। उसमें आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, और वर्टस GT में आपको 1.5 लीटर का जो है इंजन देखने को मिलता है। भाई फ्रंट से अगर हम गाड़ी की बात करें तो ऑल LED सेटअप है भाई आपका। इंडिकेटर, हेडलैम्प वगैरह सब कुछ आपको, फॉग लैम्प वगैरह सब कुछ जो आपका LED सेटअप है। और भाई गाड़ी की लुक भाई सच में मतलब बहुत ही मतलब खतरनाक लुक है भाई गाड़ी, मतलब एक तरह से। अब जो है भाई एक बात और बताऊँ, ये जो है 2022 की वो सेडान है जो सबसे ज़्यादा Volkswagen की तरफ से बेची गई है। तो भाई अगर हम गाड़ी की फ्रंट से बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आपको ये जो है आपकी DRL है जो कि आपको वाइट में दिखती है। ये आपका हो गया भाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसमें मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों इसी में भाई। ये आपका हो गया LED में इंडिकेटर। उसके बाद भाई ये आपको मतलब गाड़ी में जो कंपनी ने आया क्रोम तो बहुत भर के भाई अनलिमिटेड मतलब नेक्स्ट लेवल क्रोम जो है प्रोवाइड करवाया Volkswagen ने वर्टस GT में। भाई अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको अगर जैसे टॉप ऑफ द लाइन है तो आप में इसमें 3-4 जगह है मतलब आपको GT की जो है बैजिंग मिलेगी। और भाई जो GT है उसमें आपको जो है आपके एलॉय है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलते हैं विथ रेड कैलिपर्स, ठीक है भाई। और भाई वहाँ आपको GT की बैजिंग देख सकते हो आप, एक आपकी GT की बैजिंग ये रही भाई। उसके बाद भाई हम देखते हैं भाई आपका जो है ORVM वो आपको ग्लोसी ब्लैक में मिलता है। और भाई डोर हैंडल्स में आपको कीलेस एंट्री, और ये भाई क्रोम का ट्रीटमेंट जो आपका लगा आता है, कोई एसेसरीज नहीं है। एसेसरीज में अगर आपको दिखाऊं भाई, ये जो आप क्रोम गार्निश देख सकते हो, ये जो क्रोम गार्निश आप देख रहे हो ये है आपका एसेसरीज में। और भाई यहाँ पर आपको जो है Volkswagen की बैजिंग दिख रही होगी। और भाई ये जो मतलब गाड़ी पर है PPF हुई है जो कि अपनी ऑटो क्रू कस्टम द्वारा जो है इस पर PPF की गई है। मतलब आपको कोई भी गाड़ी से डिटेलिंग वगैरह का कोई भी काम हो भाई आप ज़रूर विजिट करें आपका ऑटो क्रू कस्टम। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लोकेशन वोकेशन जो है भाई नंबर वंबर भाई का सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ। भाई अगर इसमें गाड़ी के ब्रेकिंग की बात करें तो आगे आपको डिस्क और पीछे जो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। भाई गाड़ी की अगर हम बैक से बात करें तो भाई बैक से देखो भाई मतलब कितनी खतरनाक, मतलब जितनी एग्रेसिव ये आगे से लगती है उतनी बढ़िया भाई ये जो है बैक से लगती है। इसमें आपको हेडलाइट में जो है भाई वो स्मोक टेक्सचर जो है देखने को मिलता है। इसी के साथ भाई ये हो गई आपकी GT की बैजिंग, और ये भाई बड़ा सा वर्टस लिखा हुआ है जो कि मतलब एक नेक्स्ट लेवल लगता है भाई, एक नंबर। और भाई नीचे देखो जैसे ये हो गया आपका जगह जगह कंपनी ने क्रोम तो बहुत ज़्यादा दिया भाई। ये हो गया आपके रिफ्लेक्टर भाई, पार्किंग सेंसर इसमें 3 पार्किंग आपको सेंसर मिलते हैं। तो भाई अगर हम साइड डोर पैनल की बात करें तो इसमें देखो भाई आपकी जो ड्राइवर साइड विंडो है वो आपकी ऑटो डाउन ऑटो अप है। उसी के साथ भाई आपको ऑल 4 जो है पावर विंडो मिलती है। ये हो गया आपका भाई ORVM एडजस्ट करने का बटन, और ये हो गया आपका लॉक अनलॉक जो कि मतलब मैं जब पहले मतलब वीडियोज़ में देखा था मेरे को ऐसा लगा कि ये गाड़ी में मेमोरी सीट का ऑप्शन है, तो इसमें मेमोरी सीट नहीं है, ये आपका डोर अनलॉक मतलब वो ऐसा मिलता है उससे तो अच्छा, मतलब काफ़ी प्रीमियम जर्मन जो कंपनी है Volkswagen मतलब काफ़ी अच्छा काम कराया है इस गाड़ी पे। भाई अगर हम सीट की बात करें तो ये आपकी मैनुअल एडजस्टेबल है भाई, इलेक्ट्रिक नहीं है मैनुअल है। भाई रियर में आपको जो है डीफॉगर मिल जाता है, सार्फिंग एंटीना। उसी के साथ भाई ये आपकी ब्लैक रूफ जो कि भाई बहुत एक नेक्स्ट लेवल मतलब लुक गाड़ी का भाई, आप एकदम सेक्सी गाड़ी लगती है। उसी के साथ भाई आपको जो होगी सनरूफ। तो भाई अब जो हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं भाई, तो अगर आपको सबसे पहले भाई स्टेयरिंग पे दिखाऊं तो ये आपके हो गए भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम से भाई, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों इसमें चलते हैं। उसी के साथ ये भाई हो गया आपका क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड बटन, और आपका इन्फॉर्मेशन से भाई ये देखो मतलब गाड़ी क्या बताऊं भाई, मेरे पास शब्द नहीं है गाड़ी के लिए बोलने के लिए, इतने लाजवाब मतलब इतना अच्छा प्रीमियम कार है भाई, एक नंबर से प्रीमियम कह सकते हो। योगी भाई इसमें आपको कंपनी फिटेड एम्बियंट लाइट मिलती है, और भाई ऑल जो मतलब ट्रीटमेंट है ये आपका देख सकते हो, ये आपका हजार्ड का बटन हो गया भाई, ये आपका हजार्ड का बटन हो गया। भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलता है भाई, और उसी के साथ भाई 8 सिस्टम का सराउंडिंग साउंड जो आपको प्रोवाइड करवा रही है भाई Volkswagen। और भाई वायरलेस चार्जिंग वगैरह सब कुछ है, बस इसमें ये है कि आपका जो हैंड ब्रेक है वो भाई मैनुअल है। उसी के साथ भाई ये हो गया आपका सेंटर कंसोल जिसको भाई आर्म रेस्ट वगैरह हो गया। भाई ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आपके सामने खड़ा है, जो मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन बताऊंगा उसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल जो भी है भाई सब आपको बताऊंगा। और भाई ये जर्मन कंपनी है तो इसमें आपको जो इंडिकेटर हेडलाइट वगैरह से रिलेटेड बटन वो आपको इस तरफ मिलते हैं, और वाइपर से रिलेटेड बटन आपको इस तरफ मिलते हैं। उसी के साथ भाई इसमें जैसे ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं भाई,
इसमें आपका जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये आपका फोल्क्सवैगन में इधर मिलता है, ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, और ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, और ये भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट भी है, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट भी मिलती है भाई। देखो ये आपका वेंटिलेटेड सीट से रिलेटेड जो बटन हो गया भाई। भाई अगर सेफ्टी फीचर की बात करें तो इसमें आपको टोटल जो है 6 एयरबैग मिलते हैं, उसमें आपका नी एयरबैग, कर्टेन एयरबैग वगैरह सब है। उसी के साथ भाई इसमें स्पीड अनलॉक वगैरह, हीडी, एएसपी, एबीएस, हिल असिस्ट वगैरह सब कुछ, तमाम फीचर भाई जो आपको वोल्क्सवैगन प्रोवाइड करवा रही है। उसी के साथ भाई ये हो गया, इस तरफ आपका जो है टिकट होल्डर हो गया, और उस तरफ हो गया भाई आपका वैनिटी मिरर विदाउट एनी लाइट। और भाई इसमें देखो इस तरफ भी जो है ग्रैब हैंडल जो है दे रखा है, बाकी देती नहीं है, जहाँ तक मैंने ज़्यादा कंपनियों में देखा है कोई ड्राइवर साइड का देती नहीं है भाई। और भाई अब आपको ये देखो भाई, ये हो गई इसकी सनरूफ, ये है ना, ये हो गई भाई आपकी लाइट, वैनिटी लाइट जिसको बोलते हैं, ये आपकी एलईडी में है, मतलब इस जगह कॉस्ट कटिंग नहीं है बिल्कुल भी। वो गाड़ी में जो है ऑटोमेटिक आईआरवीएम मिलता है भाई, तीनों गाड़ी में तीनों जो बैक पीछे के हेडरेस्ट है तीनों एडजस्टेबल हैं। उसी के साथ भाई बीच में आपको जो है वो भी मिलता है कप होल्डर विथ आपका हैंड रेस्ट। अब आपको हम जो गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं भाई, ये देखो भाई एनिमेशन देखना आप सबसे पहले तो गाड़ी का। भाई ये आपका जीटी है ना, वर्टस जीटी है, तो 1.5 लीटर का जो इसमें पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। इसमें आपको मीटर, जो मीटर की जो लाइटिंग होती है वो आपको रेड कलर में मिलती है, बाकी आप नॉर्मल जो 1 लीटर वाली लोगे उसमें आपको मिलेगी भाई ब्लू कलर की लाइटिंग। उसी के साथ भाई ये हो गया आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको काफ़ी सारे ट्रैक्शन, भाई ट्रैक्शन का बटन भी मिलता है देखो, जो कि मतलब आपको वैसे बटन नहीं है टच स्क्रीन में, आपको इसमें ट्रैक्शन का फीचर भाई, वाईफाई वगैरह सब कुछ इसमें, कॉलिंग कॉल, एप्पर कारप्ले भाई सब कुछ वायरलेस। ये भाई इसका स्पीडोमीटर जो कि मतलब पूरा लग्जरी है भाई। अगर हम वर्टस जीटी की बात करें तो इसमें आपको ऐसी की मिलती है भाई, ये हो गई आपकी फिजिकल की। उसी के साथ भाई इसमें हो गया आपका लॉक अनलॉक, और ये हो गया आपको बूट रिलीज करने का। मतलब भाई ठीक है की मतलब काफ़ी अच्छी है, बट इसमें एक है जैसे आपने इसमें कीलेस एंट्री दे रखी है फोल्क्सवैगन ने, फिर उसको ये की जो फिजिकल की है इसको इतना सिंपल सा नहीं देना चाहिए भाई, इसको पूरा पैक करना चाहिए था तो और प्रीमियम लगती। भाई अगर हम रियर की गाड़ी में बात करें तो आपको जैसे मैंने पहले बताया तीनों फिक्सेबल हेडरेस्ट है भाई, पीछे भी आपको सीट बेल्ट वगैरह मिलते हैं। और भाई ये आ गए आपके पीछे के जो है पीछे रियर एसी वेंट्स हो गए भाई। और ये देखो भाई अब जो है कंपनी आपको चार्जिंग पॉइंट देने लग गई है एप्पल वाला, जो आपका एप्पल में आता है भाई टाइप सी चार्जिंग, मतलब बहुत ही मतलब अच्छी बात है भाई। ये इस तरफ हो गया, डोर्स में आपका हो गया कप होल्डर हो गया भाई। ये भाई आपका छोटा सा ट्विटर भाई, ये ट्विटर है, और नीचे जो आपको छोटा स्पीकर मिलता है भाई। एवरेज की बात करें तो गाड़ी आपका कम फोल्क्सवैगन जो आपका लोकल में जो एवरेज क्लेम कर रही है वो भाई 12 का क्लेम कर रही है, और हाईवे पे अगर आप इसका क्लेम की बात करें जो फोल्क्सवैगन जो क्लेम कर रही है हाईवे पे वो है आपका 18 का। भाई इसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन तो मिलता ही नहीं है। उसी के साथ भाई अगर इसके हम फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और बूट स्पेस की बात करें तो भाई 521 लीटर का इसका बूट स्पेस है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो भाई इसमें आपको 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है भाई 147 bhp, और मैक्स पावर मैक्स टॉर्क की बात करें तो भाई इसमें आपको टॉर्क मिलता है 250 Nm का टॉर्क मिलता है। भाई अगर इसके हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है। उसी के साथ भाई अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 521 लीटर का जो है बूट स्पेस मिलता है, और भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है भाई 147 bhp और 250 Nm टॉर्क। अगर भाई आप जैसे आपकी ये गाड़ी शाइन मार रही है वैसे आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी भी जो है एकदम शाइन करे, तो भाई आप ज़रूर ऑटो क्रू कस्टम पे ज़रूर विजिट करो, यहाँ पर आपको फोम वॉशिंग रैप वगैरह डिटेलिंग वगैरह सब कुछ जो है आपको मिलेंगे विद गारंटी भाई 5-6 साल की जो है, आप जैसे जिस हिसाब का पैक लेते हो उस हिसाब से आपको वारंटी वगैरह PPF भी मिलती है। यही कुछ वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।